नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। कर्नाटक चुनाव में प्रचार के दौरान नेताओं का वार पलटवार का खेल जारी है। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में एक रैली के दौरान फिल्म द केरला स्टोरी का जिक्र किया था, जो लव जिहाद की घटनाओं पर आधारित बताई जा रही है। द केरला स्टोरी 5 मई को सिनेमा घरों में रिलीज भी हो चुकी है। हालांकि द केरला स्टोरी को रिलीज के दिन विरोध का सामना भी करना पड़ा था। अलग अलग सिनेमा घरों में कई लोग सिनेमा घर पहुंचे और फिल्म के खिलाफ दर्शन किया। इस बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओबैसी ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। आपको बता दें कि ओबैसी ने द केरला स्टोरी को झूठा प्रोपेगेंडा बताया है और कहा है कि चुनाव जीतने के लिए अब प्रधानमंत्री को मूवी का सहारा लेना पड़ा। बता दें कि असदुद्दीन ओबैसी ने ट्वीट करके कहा कि पीएम मोदी को एक इलेक्शन जीतने के लिए झूठे प्रोपेगेंडा पर बनी फिल्म का सहारा लेना पड़ा।